हेलो एंड वेलकम टू हिस्टोरीफाई। आज का हमारा लेक्चरर फिरोज शाह तुगलक के बारे में है। फिरोज शाह तुगलक वॉज द थर्ड इन लाइन ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज असेंडेड द थ्रोन। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 तक, यानी कि 37 साल का लंबा शासन फिरोज तुगलक ने किया। फिरोज वॉज अ कजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, एंड वेन मोहम्मद एक्सपायर्ड एट 39, इट वॉज फिरोज हु सैट ऑन द थ्रोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। द रेन ऑफ फिरोज तुगलक इज प्राइमरली नोन फॉर द पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम ड्यूरिंग हिज रेन। नाउ जब हम फिरोज तुगलक के आर्थिक सुधारों की बात करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट आता है लैंड टैक्सेस का। और ये बात यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है दैट द रेन ऑफ फिरोज तुगलक वाज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज प्रेडेसेसर मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज तुगलक ने बहुत सारे टैक्सेस को कैंसिल कर दिया, बहुत सारे टैक्सेस को रिड्यूस भी कर दिया, एंड ही स्टक टू ओनली द टैक्सेस दैट वर प्रिस्क्राइब्ड बाय द इस्लामिक लॉ। द फोर टैक्सेस वर जिजिया, ज़कात, खरज एंड खुम्स। नाउ जिजिया वो टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स को पे करना होता था। ज़कात वॉज अ टैक्स विच वॉज चैरिटी पेड बाय द मुस्लिम्स। खरज वॉज द लैंड रेवेन्यू, एंड खुम्स वॉज अ टैक्स विच अक्रूड टू वॉर बूटी। फिरोज स्टक टू द लीगल इस्लामिक प्रैक्टिस ऑफ लीविंग 4/5 टू द सोल्जर्स एंड रिटेनिंग 1/5 फॉर द सॉवरेन। सो बेसिकली ये टैक्स लिए जाते थे, एंड रेस्ट ऑफ द टैक्सेस वर कैंसल्ड और दे वर रिड्यूस्ड। इसके अलावा जो भी लोन्स मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिए गए थे, जिनको सोंधर लोन्स कहा जाता है, एट द टाइम ऑफ द फैमिन इन द दुआब, दीज लोन्स वर ऑल्सो कैंसल्ड, और इट इज बेटर टू से दैट दीज लोन्स वर रेमिटेड। देन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो टू हेल्प इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पेजेंट्स, फिरोज तुगलक गॉट मेनी न्यू कनाल्स बिल्ट एंड ही ऑल्सो गॉट द ओल्ड कनाल्स रिपेयर्ड। जितने भी सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरें थीं उनको रिपेयर कराया गया और कई नई नहरें भी बनवाई गई। उसके अलावा बहुत सारे कुएं भी खुदवाए, डैम्स का कंस्ट्रक्शन भी करवाया फिरोज तुगलक ने, इन ऑर्डर टू हेल्प द पेजेंट्स इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। इससे ना केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इम्प्रूव हुआ बल्कि जो किसान थे उनकी कंडीशन भी इम्प्रूव हुई, एंड दे वर हैप्पी विद द सुल्तान। Now worth mentioning here is that for extension and promotion of agriculture in East Punjab, Firoz Tughlaq cut two large canals calling them Rajba and Ulugh Khani. And the historian Yahya says that there were four such canals. These canals irrigated a tract of land over 160 miles in length. So this was a great step taken by the Sultan for improving the condition of the peasants. इसके अलावा फिरोज तुगलक ने कुछ नए टाउन्स और नगरों की भी स्थापना की विच स्टिल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हिसार, फिरोजा, जौनपुर एंड फिरोजाबाद। पब्लिक यूटिलिटी मेजर्स की बात करते हैं जो जनहित के लिए काम फिरोज तुगलक ने करे थे इन ऑर्डर टू हेल्प हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस। जो राहगीर होते थे, जो ट्रैवलर्स होते थे और जो व्यापारी होते थे उनके लिए फिरोज तुगलक ने रेस्ट हाउसेस की स्थापना करी जिनको सराय कहते हैं। इसके अलावा बीमारिस्तान यानी अस्पतालों की भी स्थापना करी, स्पेशली फॉर द पुअर पीपल, जो पुअर सब्जेक्ट्स थे वहाँ फ्री एड मिलती थी इन द हॉस्पिटल्स। देन एक चैरिटी का डिपार्टमेंट भी स्थापित किया गया, एंड दिस डिपार्टमेंट वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ द विडोज, द ऑर्फन्स एंड अदर पीपल हु वर इन नीड। देन एन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज तुगलक, और एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो का काम था जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग थे, जो बेरोजगार थे, वो वहाँ पे रजिस्टर कराते थे और उनकी योग्यता के हिसाब से या उनकी स्किल्स के हिसाब से उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता था। अन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिरोज तुगलक रेन इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। इसको दीवाने बंदंगा भी कहा गया है। यहाँ पर स्लेव्स के लिए काम होता था, स्लेव्स वर ट्रेंड, उनको एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाता था, क्योंकि फिरोज तुगलक के काल में जो स्लेव्स की संख्या थी वो लगभग 180,000 हो गई थी।
इसी के साथ ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि जो हमने अभी एग्रीकल्चर की बात करी है, कितना काम एग्रीकल्चर के वेलफेयर और प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए किया गया था, उसके लिए भी एक सेपरेट डिपार्टमेंट स्थापित किया गया था जिसको दीवान ए आमिर को ही कहा गया है, दैट वॉज अ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जुडिशियल रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करे गए। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वॉज रीमॉडल्ड ऑन द लाइन्स दैट वर सजेस्टेड बाय द उलेमा। इससे पहले के जो रूलर्स थे, स्पेशली मोहम्मद बिन तुगलक, ही डिड नॉट गिव एनी हीट टू द एडवाइस ऑफ द उलेमा, जो रिलीजियस लीडर्स होते थे, बट फिरोज तुगलक टुक देयर एडवाइस एंड द उलेमा वर एक्चुअली वेरी हैप्पी एंड विलिंग सपोर्टर्स ऑफ फिरोज अथॉरिटी। ऑल जुडिशियल एंड एग्लिजियास्टिकल अपॉइंटमेंट्स वर मेड विद द हेल्प एंड एडवाइस ऑफ द उलेमा, जो वहां के धर्म गुरु थे उस समय के। और सबसे इम्पॉर्टेंट जुडिशियल रिफॉर्म जो फिरोज तुगलक का है, वो टॉर्चर का जो सिस्टम होता था क्रिमिनल्स का, उसको अबॉलिश कर दिया गया, लाइक एक्सट्रीम टॉर्चर, सैवेज ट्रीटमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स वॉज अबॉलिश्ड फॉर एवर। और जो भी क्रिमिनल्स गिल्टी पाए जाते थे फिरोज तुगलक के शासनकाल में, उनको माइल्डर पनिशमेंट दी जाती थी, एंड टिल द टाइम फिरोज तुगलक रूल्ड द क्रिमिनल्स वर सेव्ड फ्रॉम extreme torture as a form of punishment। foreign policy की अगर बात करें तो अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक से या किसी अन्य लीडर से कंपेयर करते हैं, then फिरोज तुगलक turned out to be a weaker military leader। जो सैनिक योग्यता की या दूरदर्शिता की बात करी जाए तो फिरोज तुगलक में ये थोड़ी सी weak पाई गई थी। and फिरोज तुगलक was basically रूलर फॉर द पीपल, नॉट फॉर एक्सपैंडिंग हिज किंगडम या अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए फिरोज तुगलक ने कोई खास कदम नहीं उठाए। यहाँ तक कि जो भी राज्य विद्रोह के द्वारा अलग हो गए थे उनको रिकवर करने का प्रयास भी फिरोज तुगलक ने नहीं किया, और जो भी प्रयास किया इट टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर। सो द फॉरेन पॉलिसी ऑफ फिरोज तुगलक वी कैन नॉट टॉक मच अबाउट बिकॉज इट वॉज नथिंग टू बोस्ट अबाउट। Now, besides being a very benevolent ruler, Firoz Tughlaq also indulged in patronizing architecture and learning. ये जो towns उन्होंने बनाए थे, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर और हिसार, इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में बहुत सारे gardens भी ले करे थे, orchards ले करे थे। Orchards में इतना ज़्यादा fruit production होता था that it brought in a lot of revenue टू द स्टेट ट्रेजरी। सो ये गार्डन्स और ऑर्चर्स यानी कि बाग जो थे, इन्होंने स्टेट ट्रेजरी को स्ट्रेंथन करने में भी काफ़ी योगदान दिया। फिरोज तुगलक ने एजुकेशन और लर्निंग को भी इनक्रेज किया, मदरसे, स्कूल और अदर टीचिंग इंस्टीट्यूट्स व इस्टेब्लिश्ड बाय हिम। मैनी रिलीजियस टेक्स्ट व ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन, इंक्लूडिंग मैनी बुक्स दैट वर अबाउट म्यूजिक। सो ऑल इन ऑल फिरोज तुगलक डिड अ लॉट ऑफ वर्क विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स अ कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। हाउएवर सिंस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ फिरोज तुगलक वॉज वीक एंड ही हिमसेल्फ डिड नॉट पोजेस ग्रेट क्वालिटीज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर हु बिलीव्ड इन स्ट्रेंथनिंग हिज पोजिशन एंड इन स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इन मेकिंग द एम्पायर और द किंगडम वेरी स्ट्रांग। सो आफ्टर हिज डेथ द तुगलक डायनेस्टी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड द सल्तनत स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग एंड द फाइनल ब्लो केम इन द फॉर्म ऑफ द अटैक ऑफ तैमूर इन 1398-99। आमिर तैमूर द रूलर ऑफ समरकंद ही इन्वेडेड इंडिया एंड द प्राइमरी पर्पस ऑफ तैमूर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया वॉज टू अक्वायर द वेल्थ। लाइक अदर इन्वेडर्स लाइक गौरी एंड गजनी, ही ऑल्सो हैड हर्ड अबाउट द इमेंस वेल्थ एंड स्प्लेंडर ऑफ द इंडियन कोर्ट्स एंड the Sultanate, so he came to India and invaded India, easily entered Delhi, rampaged the capital, looted and killed the people and went back to his kingdom with a lot of booty. So the invasion of Taimur came as a death knell upon the Tughlaq dynasty, and the Tughlaq dynasty finally came to an end. While going back, Taimur left behind his general Khizr Khan, who laid the foundation of a new dynasty in Delhi. In 1414, the Sayyid dynasty was founded, and this was followed by the Lodi dynasty.
about which we shall be discussing in our next lecture. Thank you so much.